दीपावली की सभी संत महात्माओं को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आओ संत महात्माओं, दीपावली का त्यौहार है और सतगुरु ने हमें क्या शिक्षा दी कि हमें कैसे दीपावली मनानी चाहिए ताकि हमारी परेशानी दूर हो जाए। और ये जो लक्ष्मीपति है, लक्ष्मीपति के साथ इस लक्ष्मी का भी वास हो जाए, यानी हमारे जीवन में भरपूर खुशहाली आ जाए, भरपूर उजाला तो होता है। आओ संत महात्माओं, तो सतगुरु ने बताया कि दिवाली संत महात्माओं की कब होती है, पाके ये निरंकार दिवाली होती है। कह रहे कि संत महात्माओं की दिवाली तो हर दिन दिवाली होती है, यदि ये निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा हमारे किस्मत से यानी हमारे हिस्से में सतगुरु की कृपा से हमारे जब हिस्से में आ जाता है। तो आओ संत महात्माओं, इधर माता जी बता रहे हैं कि जो दिए जो जलते हैं और दिया एक दिया जब दूसरे दिए से जलता चला जाता है तो प्रकाश बढ़ता चला जाता है, यानी दो दिए जले फिर चार जले, चार से आठ जले, इस तरीके से दिए से दिया जब जलता चला जाता है तो जोत से जोत जलती चली जाती है और उजाला बढ़ता चला जाता है। आओ संत महात्माओं, हमारी वास्तविक दिवाली तो जब ही है, इस दिवाली का भी कुछ एक अपना ही अलग ही संदेश होता है, क्योंकि प्रेम को बढ़ाना, भाईचारे को बढ़ाना, नफरत को मिटाना, प्रेम फैलाना, दूसरे की मदद करना, यानी उजाला देना। यदि आपकी नज़र में भी कोई यानी इस तरीके से गमगीन परेशान व्यक्ति होता है और वो पीड़ित है और उसके घर में यानी उदासी छाई है और आपको दातार ने इतना समर्थ बनाया है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं, कुछ ना कुछ मिठाइयों से, कुछ ना कुछ दियों से, कुछ ना कुछ उजाले के ऐसे प्रबंध से, कुछ ना कुछ सहयोग से उसकी आप मदद कर सकते हैं। जब वास्तव में जब आप उसकी मदद करते हैं तो होता क्या है, उसके घर में भी खुशियाँ आ जाती हैं। और जब खुशियाँ आई और यही प्यार का संदेश दीपावली देती है कि हमें यानी ना केवल अपने स्वार्थ के लिए, ना केवल अपने ही खुशियों के लिए जीना, बल्कि जितनी हमारी समर्थ हो रही है हम किसी दूसरे की इमदाद करें, हम किसी दूसरे के घर में भी उजाला दे सकें। तो दिए भी यही सिखा रहे हैं कि जोत से जोत जगाते चलो। आओ संत महात्माओं, ये जो ज्ञान की रोशनी है ये एक इंसान से दूसरे इंसान में बढ़ती चली जाए और जहालत मिटती चली जाए, यानी अंधेरा धरा पे रह ना जाए कहीं, तुम प्यार का दीपक जला दीजिए। आओ संत महात्माओं, तो सतगुरु कह रहे हैं तो ये प्यार का दीपक जलाना है। संसारिक लोग तो दिवाली एक या दो दिन मनाते हैं। आओ संत महात्माओं, तुम्हें जो दिवाली है यानी हर रोज़ मनानी, हर रोज़ प्यार को फैलाना है, हर रोज़ जोत जगानी है। अब जोत आपकी जगेगी काय से, दिया भी है, तेल भी है, बाती भी, लेकिन यदि ज्ञान के प्रकाश से ये जोत ना जली, यदि परमात्मा के टच में ना आई तो वास्तव में फिर अंधेरा जाने वाला नहीं। आओ संत महात्माओं, यदि काश अंधेरा इस तरीके से ही चला जाता तो वास्तव में फिर कोई ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन अंधकार जो हमारे मनों के अंदर घर करे बैठा है, आखिर बाहर के अंधकार को तो हम दियों से उजाला दे सकते हैं, प्रकाश कर सकते हैं, लेकिन जो मन के अंधकार हैं, जो मन में अंधकार बसा पड़ा है, जो इंसान निराशा में डूबा पड़ा है, जो इंसान दुख में डूबा पड़ा है, जो इंसान परमात्मा को कोस रहा है, आखिर वो जो अंधकार कब मिटेगा, अज्ञानता का अंधकार कब मिटेगा, हम जाति पाति का भेदभाव का अभिमान करते हैं ये कब मिटेगा। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु कह रहे हैं कि जब तक तेरी जो अंदर की ज्योत नहीं जलेगी, यानी मन रूपी तेरी ज्योत नहीं जलेगी, तब तक उजाला होने वाला नहीं। और जब तूने मन की ज्योत जला ली तो ऐसा कोई कार्य नहीं है, फिर परमात्मा की कृपा से जब मन की ज्योत जल जाती है तो उजाला हो जाता है। फिर तो वही पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु दी अमोलक गुरु ने कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। अब मन की ज्योत जग चुकी है, चारों तरफ उजाला ही उजाला हो रहा है, अब हर वस्तु में परमात्मा नजर आ रहा है और अब हर इंसान का सम्मान करना हमसे आ रहा है। तो आओ संत महात्माओं, दिवाली में
यानी उन्हीं का अशुभ होता है। जो लोग हद से ज़्यादा शराब पीते हैं, इन कामों से बच के हमेशा रहिए। जो लोग जुआ खेलते हैं, जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग नारी पर अत्याचार करते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी ने भी कहा, मैं ऐसे घरों में निवास करती हूँ, यत्ते नारी पूज्यते तत्र रमन्ते देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, लेकिन जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ मेरा निवास नहीं होता। तो आओ संत महात्माओं, हमें मान सम्मान देते चले जाना है। परमात्मा की कृपा से इस ब्रह्म ज्ञान की दात को, इस ज्योत को संसार में फैलाते चले जाना है। और वास्तव में जब ये ज्योत फैलती चली जाती है तो नफरत दूर होती चली जाती है और प्यार बढ़ता चला जाता है, और यही परम उद्देश्य इस दिवाली का है, यानी बुराई खत्म हो जाए और सत्य की जीत हो जाए।